क्या आप एक विदेशी है माल्टा में? निम्ने से आपके साथ कोई भी हुआ है? किसी ने मुझे एक अच्छी नौकरी का वादा किया था अगर मैं माल्टा जाऊं, मगर सच्चाई ये नहीं थी। मुझे माल्टा जाने के लिए मजबूर किया गया। जब मैं माल्टा पहुंचा, तब मुझे नौकरी देने वाले से मेरे सारे कागज छीन लिए। मुझसे जबरदस्ती माल्टा में काम करवाया जाता है, बिना किसी अधिकार और अनुबंध के। मुझे मेरे काम करने के पैसे नहीं मिलते, जितने के वादा किया था उतने भी नहीं। मुझसे वो काम करवाया जाता है जो मैं करना नहीं चाहता। किसी ने मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचने की धमकी दी अगर मैंने भागने की कोशिश की। जो मेरा फायदा उठाते हैं, वो मुझे शारीरिक और पे नुकसान पहुंचते हैं। मुझे एक ही जगह पर रहना और काम करना पड़ता है। मुझे अपनी मर्जी से घूमने की अनुमति नहीं है। यदि आप इन कुछ खतनों को पहचान सकते हैं, तो आप मानव तस्करों के शिकार हो सकते हैं। मानव तस्करी और शोषण एक गंभीर अपराध है। आपको वह भी सहायता और सुरक्षा मिल सकती है जिनकी आपको आवश्यकता है। आपको बोलने की जरूरत है, यहाँ तक कि अगर आप डरते हैं, अकेला महसूस करते हैं, या फिर सोचते हैं कि कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा क्योंकि आप बिना कागजात के माल्टा में रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, फिर भी आप मदद मांग सकते हैं। आप तत्काल मदद लेने के लिए ये कुछ चीजें कर सकते हैं। आप 179 पर कॉल कर सकते हैं या apogee@gov.mt पर ईमेल भेजे या गुमनाम लाइव चैट के लिए www.kellimni.com पर जाए या माल्टा की सामाजिक सेवाओं की यात्रा करें। माल्टा सोशल सर्विसेज। अजंजिया अपोच, सेंट लूक्स रोड नंबर 36 इन गोर्दमांजिया। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 से शाम 4 बजे के बीच खुले रहते हैं। अगर आपको किसी और के बारे में पता है जिसे मदद की आवश्यकता हो, तो कृपया संपर्क करें। और याद रखिए, आप ये जरूर कर सकते हैं।